श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। हमारे एक छोटे गुरु भाई हैं, कहीं श्रीलंका के आसपास रहते हैं, बड़े होनहार हैं, बहुत अच्छे स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं और बहुत सारे साउथ के मंदिरों में उन्होंने चांदी का काम किया। आप देखे होंगे कि आजकल जो नया स्टाइल चला है कि मंदिरों के दीवार को, मंदिर का जो गेट होता है, सब पे नक्काशी होती है और चांदी से उसको ढक दिया जाता है, तो वो यही काम करते हैं। तो उनसे एक बार जिज्ञासावश मैंने पूछा, इतना तो चांदी का काम आपको काफ़ी महंगा पड़ जाता होगा क्योंकि वो काफ़ी सस्ते में करते थे। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, उनके पास एक विद्या है जो खैर वो मेरे विद्या से अलग है। उस विद्या में वो वनस्पति से चांदी बना सकते हैं। विशाला यक्षिणी की साधना से आपको एल्केमी की शक्ति आती है, रस विज्ञान का। रस विज्ञान एक तो मेटल बनाने का काम आता है, एक मेटल से दूसरे मेटल को में कैसे बदला जाए। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कुछ लोग सोना बनाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि चांदी बनाते हैं, तो ये थोड़ा सा हायर एंड का तंत्र हो जाता है। लेकिन जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि अगर किसी को भैरवी साधना करनी है तो उससे पहले वज्रोली साधना करनी पड़ती है। तो वज्रोली साधना में क्या होता है, वज्रोली साधना में होता है कि पहले उसको अपने लिंग से पानी खींचना होता है, फिर नारियल पानी खींचना होता है, फिर मधु खींचना होता है और फिर जो प्योरीफाइड मरकरी है वो खींचना होता है। तो ये जो प्यूरिफाइड मरकरी होती है, ये प्यूरिफाई कैसे किया जाता है, तो इसको प्यूरिफाई करने के लिए भी एल्केमी का ज़रूरत पड़ता है, जिसके लिए ये विशाला यक्षिणी की साधना करनी पड़ती है। ठीक है, और क्या विशाला यक्षिणी की साधना करने से फ़ायदा है, किसी भी मेटल को आप प्योर या इम्प्योर कर सकते हैं, एक मेटल से दूसरे मेटल में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक विशाला यक्षिणी की साधना कर लिया उसके बाद आपको ये ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा। विशाला यक्षिणी पहला पड़ाव है इस साधना को करने के लिए। तो एल्केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही विलुप्त होता ज्ञान है, और जो थोड़ा बहुत बचा है, मैं एक दिन सदगुरु का वीडियो देख रहा था तो वो मरकरी को प्योर सॉलिडिफाई कर दे रहे थे, तो अंग्रेज़ उनका काफ़ी मजाक उड़ा रहे थे उस वीडियो पे। लेकिन ये फैक्ट है कि हमारे यहाँ ये विद्या है जिससे कि मंत्र तंत्र और यंत्र को मिला करके ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं जिसमें कि मरकरी को आप प्योरीफाई कर लो या फिर वाणिज्य से सोना बना लो, वाणिज्य से चांदी बना लो, ये सब विद्याएं हैं। तो कैसे होता है विशाला यक्षिणी का साधना? विशाला यक्षिणी का साधना में क्या करना है आपको कि किसी इमली के पेड़ के पास जाना है और उसका जो खाल होता है, जो बार्क होता है, उसको आप छिलके निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ उसका 10,000 जाप करना है और जो पत्ता है पेड़ का, टैमरिंड का, इमली का जो पत्ता है, उसके 100 पत्ते आपको रखने हैं, 100 फूल रखना है और घी। ये मतलब 100 पत्ता, फूल और घी को मिला करके एक मिश्रण तैयार कर ले जिससे आप बाद में हवन करेंगे। तो सबसे पहले एक जो टैमरिंड है उसका एक बार्क ले ले, छाल ले ले और उस पे मंत्र लिखें, उसको सामने रखें और उसको देख करके आप 10,000 बार जाप करेंगे जो मंत्र आपको बता रहा हूँ। जब ये जाप हो जाएगा तो फिर 100 की संख्या में आपको हवन करना है इसके पत्ते को लेकर के, साथ में फूल और घी। मंत्र सुनिएगा ध्यान से, मंत्र है ओम ऐम ह्रीम विशाले स्त्रम स्त्रिम ए यही स्वाहा। ठीक है, ओम ऐम ह्रीम विशाले स्त्रम स्त्रिम ए यही स्वाहा।
इस मंत्र को पहले तो आप जो लेके आए हैं इमली का छाल उसके ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। लिखने के बाद उसको देखते हुए 10,000 इसका जाप करेंगे। जब 10,000 जाप आपका पूरा हो जाएगा तो फिर आप इसका 100 हवन करेंगे। हवन का में रहेगा मिश्रण टैमरिंड के पत्तों का, फूल का और घी का। इसको करने के बाद जो भी सामग्री बचेगी उसका विसर्जन दूसरे दिन सुबह करना है। ये जो विशाला है ये कैसे पता चलेगा कि आपको सिद्ध हो गई है? देखो, जब आपको सुपर पावर्स आते हैं ना, जब आपको ऐसे पावर्स आते हैं जो आम व्यक्तियों के पास ना हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रत्यक्षीकरण हो और वो आकर के आपको बताए। जैसे आप कभी बैठे रहते हो, आपके दिमाग में आइडियाज आते रहते हैं, ठीक है, तो आपको उसी प्रकार के आइडियाज आएंगे। मतलब आपके आइडियाज क्या होता है ना कि आपके ऑरा सर्कल में कोई आके कुछ बात को बोल जाता है, तो विशाला बिल्कुल वैसे ही आपको बताएगी कि जैसे कोई सामग्री रखी है, तो आपके दिमाग में आएगा कि नहीं अभी इसके साथ ऐसा करना है। आप उसको वैसा करोगे तो जो भी ऑप्टिमम रिजल्ट है वो आपको मिलेगा। तो बहुत ही ट्रस्ट के साथ आपको विशाला यक्षिणी की साधना करनी है। इस साधना को करिएगा तो मैं बताता हूँ आपको कि जो वज्रोली साधना में जिस मरकरी का यूज होता है, प्योरिफाइड मरकरी का, अभी पूरे भारतवर्ष में एक ही नाथ है जो ये कर पाते हैं, और वो भी बहुत गुप्त रहते हैं। तो अगर आप इसको कर पाइए तो आप मतलब करोड़ों में एक व्यक्ति हो जाइएगा सिद्ध होकर के, ठीक है। अब देखो, मैं पूरे 32 यक्षिणियों का साधना बता रहा हूँ। आप ऐसा नहीं कि हर यक्षिणी की साधना सुनो और बोलो ये भी मैं करूँगा, ये भी मैं करूँगा, ये भी मैं करूँगा। आपको देखना है कि आपके लिए बेस्ट कौन सी यक्षिणी की साधना है। ये साधना उनके लिए है जो कि थोड़ा हट कर करना चाहते हैं, जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखना चाहते हैं अपना पावर का, जो मतलब एक इसके मार्फत कुछ धन भी कमाना चाहते हैं तंत्र के मार्ग से, यक्षिणी के मार्ग से, तो उनके लिए ये साधना बहुत अच्छी है। आज रात्रि के लिए इतना ही। कल लाइव जब मैं जाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि गृहस्थों के लिए तंत्र साधना कैसी करनी चाहिए, क्योंकि तंत्र जो है वो बहुत जल्दी बैकफायर करता है, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक गृहस्थ ऐसे जो अपने घर में पूजा करता है, वो बस फोटो लगा करके जो अपना एक नॉर्मल विधि से पूजा करता है, लेकिन जब मंत्र तंत्र और यंत्र तीनों मिलते हैं तो एग्रेसिव पूजा हो जाती है। तो क्या क्या आपको सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको रखनी चाहिए पूजा में, क्या करना है क्या नहीं करना है, जहाँ और लोग पूजा कर रहे हैं वहाँ बैठ के आप कैसे पूजा करेंगे, ये तमाम विषयों पे हम आपको जानकारी देंगे। और अगर आप लोगों को कुछ जानना होगा इस विषय पे तो कल ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को भूतों के बारे में जानना है तो मेरा किताब है हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, उसको खरीदिए। अगर मुझसे आपको बात करनी है तो कॉल मी ऐप और डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से, उसको इंस्टॉल कीजिए, उसमें रुद्रनाथ सर्च कीजिएगा तो आपको मेरा प्रोफाइल दिखाई देगा और आप मुझे कॉल करके डायरेक्ट बात कर सकते हैं। बहुत इमरजेंसी में मैंने व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा, इमरजेंसी हो तभी आप ये करना। मैंने आपको 150 बार बोला है, आप फिर भी करते हो कॉल। और इसके अलावा मेरा ईमेल आईडी भी है, तो कहीं भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश।